हेलो। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एच के। तो आज बीएसटीसी की परीक्षा की जो अंग्रेजी की आंसर की है, संपूर्ण आंसर की लेकर आए, तो वीडियो अंत तक जरूर बनना। आज 30 जून को जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ, तो उसकी आंसर की लेकर आए हैं इंग्लिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का हमें एक जो है पैसेज मिला था, उसके अंदर ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखा था। तो सीधे हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आपको राइट आंसर जो करेक्ट आंसर उनको हम बताएंगे। अब अपने करेक्ट आंसर को आप मिला सकते हैं। सबसे पहला जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट में, तो ये है आपका वी। वी इसमें राइट आंसर है थिंकिंग दैट दे कैन बेन फैक्ट दिस डन नॉट। जो सेकेंड है आपका व्हाट डज दिस रिटन थिंक द ईयर स्टोरेज, इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिक्वायर्ड द एबव शेली एरर्स, जो शेली एरर्स है उसमें क्या आपके जो रिक्वायरमेंट है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर है, जो इसमें ये हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें आपका बी हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, इसमें बी आपका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आपका ये करेक्ट आंसर बी होगा कंफ्यूज वाले में। अगला क्वेश्चन आपका इसका 53 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड द अबव द सिली एरर्स, जो इसमें होगा आपका वी आपका राइट आंसर होगा, वाई सेल्फ वाई वन सेल्फ वाला इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है जो कन्फ्यूज की, इसमें आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द सेंटेंस विद द सेटअप, जो आर्टिकल्स है उसमें जब करेक्ट आंसर है तो इसमें आपका ए आ जाएगा, डियर इज ए फिनिश इज द बोतल, तो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप पूरी आंसर की लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजी का। 155 क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विच स्टेड ऑफ आर्टिकल्स, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बता दिया था इसमें आपका, तो ए देवा आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा, इसमें द आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 56 कंप्लीट द सेंटेंस द रिटन कर्न जो करेक्ट पर्सन जो खाली जगह एक्टिंग द आमिर खान इज द ऑल्सो इंटरेस्ट इन सोशल वर्कर, तो इसमें आपका बी आपका राइट आंसर आ जाएगा के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विच इज द करेक्ट एनाटॉमी लीजिया, इसमें आपका हो जाएगा इसका आपको विपरीत करना है, तो इसका आपका होगा जो है अनएक्टिव का जो है एक्टिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फिल इन द ब्लैंक, जो आपको है प्लीज द गिव द खाली जगह मिल्क, तो इसमें आ जाएगा सम सम मिल्क, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सारी आंसर की हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 विच इज़ द करेक्ट एनाटॉमीज, इसमें आपको एक्टिव आपका राइट आंसर है द प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, इसमें आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 160 क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें आपका राइट आंसर हो डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का जो समबड़ी हु रीड ऑल टाइम, जो हर समय पढ़ता है उसको आप क्या कहेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा इन दोनों का सेम अर्थ है तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकता, जो इसमें आपका बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं दिस सोप इज वेरी हॉट, तो इसमें यह आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच इज़ द फॉलोइंग द टैग द क्वेश्चन द करेक्ट द क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें आपका फर्स्ट ए है जो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वंडर खाली जगह सी मीन्स, इसमें आपका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सी खाली जगह इंग्लिश विल वी कैन आंसर ऑल क्वेश्चन,
कौन आपके जो इनके बारे में जानता है। तो इसमें आपका है डी, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कैन आउ, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 प्रश्न दे सकते हैं। नाउ सही दिख रहा है ऑर्डर टू द प्राइम क्लासेस, तो इसमें यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या आपकी रीजनिंग इंग्लिश की जो क्लासेस हैं बहुत जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो इसको आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को साथ साथ शेयर कर देना और पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं आपके, जो पेपर है जी के आपकी रीजनिंग है, आपकी हिंदी है, शिक्षण रुचि, उसके सारे सारे आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर और आपके सवाल जैसे कि अनुमानित कट ऑफ क्या है, परिणाम कब आएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, तो सारे के सारे आपके डाउट्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।